हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह का पाठ पथिक, जो एक काव्य है, उसको पढ़ने जा रहे हैं। इसके लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 1881 कोइरीपुर जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मुख्य रचनाएं मिलन, पथिक, स्वप्न जो कि खंड काव्य है, मानसी ये फुटकर कविता का संग्रह है। इसके अर्थात इनकी मृत्यु 1962 में हुई है। ये छायावाद पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं और आरंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू का इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, मतलब खुद से सीखा इन्होंने ये सब। उन्होंने उस समय के कवियों के प्रिय विषय समाज सुधार के स्थान पर रोमांटिक प्रेम की कविताओं का विषय चुना और उनकी कविताओं में देश प्रेम, व्यक्तिगत प्रेम और प्रकृति प्रेम सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। यहाँ जो हम आज कविता पढ़ेंगे पथिक, इसमें वे एक प्रकृति के ऊपर मोहित हो जाते हैं, प्रकृति की सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं और उसे ही प्रेम करने लगते हैं। यहाँ बहुत सुंदर पंक्तियों में कवि ने यहाँ कविता लिखी है। आइए हम शुरू करते हैं पथिक। पथिक, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नगमे वारिधमाला। कवि क्या कहता है कि प्रकृति हर समय अपना रंग बदल रही है, अलग अलग तरह के रंगों को धारण कर रही है। सूर्य के समान आकाश में जो बादलों के गुच्छे हो रहे हैं, वे नाच रहे हैं। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बेट बीच में बिछरू यही चाहता मन है। मतलब नीचे नीला समुद्र है, ऊपर नीला आसमान है और लेखक चाहता है कि मैं इन्हीं बादलों के ऊपर बैठकर इन दोनों के बीच में घूमता रहूं। रत्नाकर गर्जन करता है, मलिया नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। वो अपने प्रिय को याद करते हुए कहता है कि रत्नाकर गर्जन करता है, मतलब नीचे समुद्र गर्जना करता है, आवाज करता है और मलय पर्वत से ठंडी ठंडी हवाएं बहती है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठूं फिरू बिजी भर के। वो क्या आशा करता है, क्या इच्छा करता है लेखक कि वो इस बड़े से विशाल रत्नाकर मतलब समुद्र में बैठकर, उसका जो पूरा घर है उसकी लहरों पर बैठकर उसके पूरे घर के कोने कोने को घूमना चाहता है। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की अवसार सवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। निकल रहा है जल निधि तल पर, मतलब समुद्र के तल पर जब सूर्य निकलता है तो उसका एक प्रतिबिंब दिखाई देता है और समुद्र उस पूरे प्रतिबिंब को स्पष्ट नहीं दिखाता है, उसकी लालिमा फैलाता है और जो चमक फैल रही है वो इस प्रकार से लग रही है कि जैसे कमला मतलब माता लक्ष्मी, वैभव की देवी माता लक्ष्मी के सुंदर से स्वर्ण मंदिर का एक कंगूरा, जो स्वर्ण कंगूरा चमक रहा हो वैसे लगता है वो, और लक्ष्मी को अपनी धरती पर पुण्य भूमि पर बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए समुद्र ने जैसे स्वर्ण की सोने की सड़क बना दी हो। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से अनुराग भरी कल्याणी। वो क्या कहता है कि ये जो सुंदर और दृढ़ निश्चय वाला भाव है जिससे कि समुद्र गहरा है, गर्जन कर रहा है और लहरें इतनी सुंदरता प्रस्तुत कर रही है, इतनी सुंदर लग रही है, और क्या किसी व्यक्ति को यहाँ से ज़्यादा सुंदर और सुखदायक कोई और स्थान लग सकता है क्या? जब गंभीर तम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। जब अर्धरात्रि का समय हो जाता है, अंधेरा रात्रि का अंधेरा गहरा जाता है और आसमान की छत के ऊपर तारे टमकटिमाने लगते हैं, उसी समय इस संसार का कल्याण करने वाला स्वामी मतलब कि ईश्वर यहाँ पर समुद्र के किनारे पर आता है और इसे निहारता है और उसे देखकर वो वहाँ पर स्वामी गगन आकाश का और गंगा का मधुर मधुर गीत उनके गाता है। उससे ही मुग्ध हो नभ में चंद्र विहस हर देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चक उठते हैं,
फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। मतलब कि यही सुंदर दृश्य को देखकर आकाश में चंद्रमा भी हंसने लगता है और वृक्ष अपने आप को सुंदर पुष्पों से और पत्तों से सजा लेते हैं। पक्षी भी खुशी के मारे अपनी खुशी को छुपा नहीं पाते हैं इस दृश्य को देखकर, और वे खुशी के मारे चहकने लग जाते हैं, और फूल भी अपनी सांसों के द्वारा मतलब अपनी खुशबू को चारों तरफ फैला देते हैं। वन उपवन गिरी शानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है नए नीर झड़ते हैं। कवि यहाँ प्रकृति की सुंदरता में बताता है कि वन उपवन पर्वत पहाड़ समुद्र बादल ये सब इतने सुंदर हैं कि इसकी सुंदरता को देखकर लेखक के मन का प्रेम भी उमड़ पड़ता है और वो भावुक हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। पढ़ो लहर तट तरण तरु गिरी नभ किरण जलद पर प्यारी लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व मोहन महारी। वो अपनी प्रिय से कहता है कि तुम्हें भी ये प्रकृति की जो सुंदर कहानी है कविता है, ये लहरों के ऊपर तिनकों के ऊपर पेड़ों पौधों पहाड़ों नभ पर्वत बादल किरणें इन सब पे बहुत ही सुंदर कविता लिखी हुई है, वो सुंदर कहानी है जो लिखी हुई है। तुम सबको इस कहानी को पढ़ना चाहिए, इसका आनंद लेना चाहिए। और कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर वन इसके बनो विश्व की बानी। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है, आह प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। अंत में लेखक क्या कहता है कि ये जो इतनी सुंदरता इसे प्रकृति की दिखती है वो बहुत ही सुंदर एक प्रेम कहानी की तरह उसे लेखक बताता है, और वो कहता है कि इस प्रेम कहानी के अक्षर मैं बन जाऊँ वो ऐसी कामना करता है, और पूरे विश्व के मुख से बोला जाऊँ ऐसी वो कामना करता है। और स्थिर और पवित्र आनंद वाली जो सुख शांति को देख कर वो इतना मोहित होता है, ये कहता है कि किसी भी राज्य में किसी भी स्थान पर जो प्रेम की वजह से जो इतनी सुंदरता है या इस सुंदरता की वजह से जो प्रेम है ऐसा कहीं और नज़र आता नहीं है। इस पूरी कविता में कवि ने प्रकृति के प्रति अपने प्रेम को बताया है, और प्रकृति के प्रति प्रेम को बताकर हमें ये बताया है कि व्यक्ति प्रकृति से अपने आप को कितना जुड़ा हुआ मानता है, और प्रकृति के पास आकर हमें कितना अच्छा लगता है, मन को कितनी शांति मिलती है, यही सब हमें इस कविता में पढ़ने को मिला है। धन्यवाद।